हल्द्वानी भवाली के पास कैची धाम मंदिर विश्व विख्यात है। महाराज नीम करौली बाबा का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि मंदिर के संस्थापक बाबा नीम करौली महाराज को भगवान का अवतार माना जाता है। बुधवार को बाबा के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं ने हल्द्वानी में जगह जगह स्टॉल लगाकर बाबा नीम करौली महाराज का जन्मोत्सव मनाया। वहीं बता दें कि हल्द्वानी से 45 किलोमीटर दूर ये आश्रम पहाड़ के मनोरम दृश्यों के बीच नीचे शिप्रा के किनारे बसा है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव के ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा ने यूपी के गांव नीम करौली में कठिन तपस्या कर सिद्धि हासिल की। बाबा ने पहला आश्रम कैची धाम नैनीताल तो दूसरा वृंदावन मथुरा में बनाया गया। करौली बाबा 1961 में पहली बार नैनीताल पहुंचे थे, जहां मंदिर की स्थापना 1964 में की गई थी। आज ये आश्रम देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। वहीं बाबा नीम करौली महाराज के चमत्कार भी लोगों ने देखे हैं। हम लोगों पर बहुत असीम कृपा है, इसलिए हम बाबा को बहुत बढ़िया तरीके से उसका जन्मोत्सव मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। कोरोना काल की वजह से हम नहीं मना पाए, इसलिए हमने एक वहाँ अत्यधिक भीड़ होने के कारण कुशंगड़ा चौराहे में उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम आप हर साल नहीं पड़ जाते थे, दो साल से कोरोना की वजह से जा नहीं पाए। इस बार अत्यधिक भीड़ होने के कारण हम वहाँ जा नहीं पाए, इसलिए हमने कुशंगड़ा चौराहे में बाबा जी के जन्मदिन पे एक शरबत का आयोजन किया है। दिक्कत यह है कि थोड़ा सा उधर को ट्रैफिक प्रॉब्लम रहता है, उधर हम जा नहीं पाते तो यही सेवा कर लेते हैं, जो हमने वो बनता है वो कर लेते हैं। बाकी सेवा करने का आनंद सबको अलग ही होता है। करौली बाबा जी के सामने दो शब्द कहना चाहूँगा। नीम करौली बाबा जी की बहुत बड़ी मान्यता है, मान्यता इसलिए है कि देखो देश विदेश प्रदेश सब जगह से वहाँ पे लौट के आते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमने यहाँ पे हमारा भंडारा जो छोटा मोटा था उनके नाम से लगा, और हमने सुना भी है कि पूरी मान्यता के साथ नीम करौली बाबा जी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए हम मानते हैं।